हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। जेपी नड्डा ने किया ऐलान, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी भाजपा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि सूबे में पार्टी का सीएम फेस कौन होगा। जेपी नड्डा ने सस्पेंस खत्म करते हुए कहा कि पार्टी जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि टिकट बांटने के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि कौन से उम्मीदवार सीट जीत सकते हैं। शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बिलावल भुट्टो हो सकते हैं नए विदेश मंत्री। जी हां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ अब देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। पाकिस्तान के समाचार चैनल ARY न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। बिना ड्राइवर वाली रोबो टैक्सी लाएगी टेस्ला, एलन मस्क ने किया वादा। जी हां, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की ओर से आने वाले दिनों में डेडिकेटेड सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी लॉन्च की जा सकती है। एलन मस्क ने हाल ही में कहा है कि ऐसी टैक्सी फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ उतारी जाएगी। मस्क ने टेक्सास में टेस्ला की $1.1 बिलियन की फैक्ट्री की शुरुआत के मौके पर यह बात कही है। बता दें कि टेक्सास की नई फैक्ट्री को अब टेस्ला का नया हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के यूपी चुनाव में गठबंधन वाले बयान पर मायावती ने कहा, कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। जी हां, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में गठबंधन करने और मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनने के ऑफर वाले बयान पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने बारे में चिंता करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करने से पहले कांग्रेस को 100 बार सोचना चाहिए, वे बीजेपी के खिलाफ जीत हासिल करने में असमर्थ रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने MNS पर कसा तंज, कहा पार्टी को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। जी हां, मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS द्वारा लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाए जाने पर मंत्री आदित्य ठाकरे ने मनसे पर तंज कसा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मनसे को फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है। आदित्य ने कहा कि हमारा हिंदुत्व सभी को पता है, हमने जो वादा किया है चुनाव के दौरान हम उसे पूरा करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने अमरिंदर सिंह बरार, CLP नेता नियुक्त हुए प्रताप सिंह बाजवा। जी हां, कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह बरार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। कांग्रेस ने भारत भूषण आसू को कार्यकारी अध्यक्ष जबकि राजकुमार छब्बेवाल को उप CLP नेता बनाया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने की थी सेना प्रमुख जनरल बाजवा को बर्खास्त करने की कोशिश। जी हां, अपनी सत्ता गंवाने से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को बर्खास्त करने की कोशिश की थी। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इससे संबंधित नोटिस जारी नहीं किया और पाकिस्तान एक बड़े क्राइसिस से बच गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी गई है। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी करके इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है। इमरान सरकार ने भी इन खबरों को गलत बताया है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।